इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है जिसमें 100 पाकिस्तानी हिंदुओं ने जोधपुर में शरण ली है। पाकिस्तान से आए तीर्थयात्री हरिद्वार आए थे तीर्थयात्रा करने के लिए, जिन्हें ट्रेन से बाघा बॉर्डर होते हुए भारत वे आए थे। तो पाकिस्तान से लौटने के बजाय जोधपुर आ गए ये सभी। तो सूचना के बाद गुप्तचर एजेंसी अब सतर्क हो गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें 100 पाकिस्तानी हिंदुओं ने जोधपुर में शरण ली हुई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से तीर्थ यात्रा करने आए थे ये हरिद्वार, और इसके बाद ट्रेन से बाघा बॉर्डर होते हुए ये भारत पहुंचे और अब पाकिस्तान लौटने के बजाय जोधपुर में समा आ चुके हैं और इन्होंने जोधपुर में अब शरण ले ली है। क्या मंसूबा है इनका, ये जानने के लिए अब गुप्तचर जो पुलिस है इस वक्त विभाग है वो सक्रिय हो चला है। तो 100 पाकिस्तानी जो हिंदू हैं उन्होंने भारत में शरण ली है। तो सूचना के बाद गुप्तचर जो एजेंसियां हैं वो सतर्क हो गई हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 100 पाकिस्तानी हिंदुओं ने जोधपुर में शरण ली है। पाकिस्तान से तीर्थ यात्रा करने आए थे तमाम हरिद्वार, ये शरणार्थी ट्रेन से बाघा बॉर्डर होते हुए भारत आए थे। जब पाकिस्तान लौटने के बजाय जोधपुर तमाम लोग आ गए और सूचना के बाद गुप्तचर एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। सौ पाकिस्तानी हिंदुओं ने जोधपुर में शरण ली है। पाकिस्तान से तीर्थ यात्रा करके आए थे ये तमाम हरिद्वार,